नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। पर्यावरण को बचाने के लिए यमुनानगर में भी पर्यावरण मित्र फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आज 500 से अधिक पौधे लगाने का और एक साल में 21,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। और वहीं आज पर्यावरण दिवस पर नन्हे बच्चों ने भी पौधे लगाए। संस्था के साथ जुड़े लोगों ने पर्यावरण को बचाने का और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। जो पर्यावरण मित्र फाउंडेशन टीम है, मैं पिछले 3 साल से सर इनके साथ कार्य कर रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये सोशल कार्य में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, पौधारोपण का जैसे आज कार्यक्रम था, तो मैंने इनके साथ आज पौधे लगाए, बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ। तो मेरा मतलब संदेश यही है लोगों को कि आप मतलब घर में 50,000 के एसी खरीद के लगवा सकते हो, तो एक 50 रुपए का पौधा खरीद के लगा दो तो मेरे हिसाब से उसका ज्यादा बेनिफिट होगा। ये मेरी मतलब लोगों से पर्सनल एक रिक्वेस्ट है, सुजेशन है हमारी पूरी टीम की तरफ से है। हम डॉक्टरों को ऑक्सीजन लगवाने के लिए इतने इतने पैसे देते हैं, तो आप 20 या 50 रुपए का एक पौधा खरीद के एक नेचुरल ऑक्सीजन नहीं ले सकते? तो मेरी ये नेचुरल सुजेशन है। और मैं साथ ही साथ पूरी टीम का स्पेशल थैंक्स करता हूँ, और साथ ही साथ मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसे कार्यक्रम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सर, पर्यावरण मित्र फाउंडेशन की ओर से सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण मित्र फाउंडेशन ने पिछले 5 सालों में लगभग 42,000 पौधे अब तक लगा चुके हैं, और आज सुबह से हम लोग लगातार वृक्षारोपण अभियान चला रहे हैं, और आज हमने अप्रोक्सीमेटली 500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से लगभग 200 पौधे हम अभी तक लगा चुके हैं और आज शाम तक 500 पौधे लगा देंगे। उसके साथ साथ DAV गर्ल्स कॉलेज में आज जो एक पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है नगर निगम द्वारा, वहाँ पर भी हम लोगों ने अपना एक स्टॉल रखा है, जिसमें हम शहतूत के पेड़ अप्रोक्सीमेटली 101 के आसपास फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सब लोगों में, जो लोग लेके जाना चाहते हैं और जो उसकी लगा के देखभाल करेंगे उनको ही हम पौधे देंगे। हमने अभी बाल भवन के सामने स्कूल है कांसापुर रोड पर, वहाँ पर लगभग 101 पेड़ लगाए हैं, और हमने जो प्लेज ली है उसमें हमने वृक्षों की रक्षा के लिए अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाने के लिए और वृक्षों को ना काटने के लिए प्लेज ली है, और हमारी संस्था के सभी सदस्य बड़े सक्रिय तौर पर अपने अपने एरिया में अपने अपने घरों में वृक्षारोपण अभियान को लगातार निरंतर चला रहे हैं, और ये अभियान लगातार पूरी गर्मी बारिश के पूरे सीजन में चलेगा, और ये लगभग सितंबर तक हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हम 21,000 पौधे और 42,000 से अलावा इस साल के अंदर रोपित करेंगे। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।